हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल बहुपद, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है। इससे पहले जो है हमने पॉलिनोमियल के बारे में बहुत सारी बातें करी थी, एक दो घंटे का लेक्चर एक्सरसाइज करी थी 2.1। उसमें हमने बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, कितनी तरह के पॉलिनोमियल हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात, इन सब की जो है बहुत ही अच्छे से बात करी थी, बहुत ही डिटेल में बात करी थी। तो आज का जो ये टॉपिक है हमारा, ये है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। और जो एक्सरसाइज है 2.2 उसका ये इंट्रोडक्शन है। 2.2 एक्सरसाइज जो है इसी पर बेस है, अगर आप इसको अच्छे से समझाएंगे तो जो एक्सरसाइज है तो उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझें, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आगे तक ये जाएगा। टेंथ क्लास में भी इसके तो इसके दो चैप्टर हैं, एक चैप्टर सेकंड और चैप्टर फोर जो है इसी पर बेस है। चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, जीरोज शून्यक, हिंदी में कहते हैं शून्यक, इंग्लिश में कहते हैं इसको जीरोज। जीरोज का मतलब होता है बहुत सारी जीरो, अगर सिंगल होगी तो उसको कहेंगे हम क्या, जीरो, इसको हम कहेंगे क्या, शून्य। अगर एक जीरो है ठीक है तो उसको शून्य कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा जीरो हो तो शून्य कहेंगे, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको इसको करने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, किसका, बहुपद का। जैसे मैंने कोई एग्ज़ाम्पल लिया पी एक्स, पी एक्स क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन। यहाँ पर ध्यान से देखना थोड़ा, बस इसको कॉन्सेप्ट समझ जाओ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, तो फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आपको कोई निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जीरोज वो होती हैं, किसी भी बहुपद के शून्यक वो होते हैं जिस पर एक्स की क्या वैल्यू, एक्स की क्या वैल्यू लें हम, जिस पर जो पॉलिनोमियल है पी एक्स ये है क्या, जीरो हो जाए। ध्यान से सुनना, एक्स की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जो है हमारा, बहुपद जो है हमारा, वो जो है ज़ीरो आ जाए वही कहलाता है, वही जो एक्स की वैल्यू आएगी वही होती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। दोबारा सुनिए, एक्स की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल है हमारा जो है ज़ीरो हो जाए, वो एक्स की वैल्यू कहलाती है क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल ध्यान में रखना इसको, कोई तुमसे पूछे इस पॉलिनोमियल की जीरोज क्या होंगी तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक्स की कैसे वैल्यू निकालेंगे वही हम लोग उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें इसकी तो लिख सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना, एक्स वाई जेड टी एस, तो ध्यान में देना, वेरिएबल एक्स एट विच एक्स, इसके लिए ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर वेरिएबल क्या एक्स है, एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसको हिंदी में हम करना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, बहुपद में चर का वो मान, जो चर हमारा एक्स है, वो मान जिससे बहुपद पी एक्स का मान क्या, शून्य हो जाए। ये जो है हमने जो है इसकी डेफिनेशन लिख दी है। यहाँ पर वेरिएबल की बात करेंगे, वेरिएबल क्या एक्स है, हिंदी में कहते हैं इसको क्या, चर जो है यहाँ पर क्या एक्स है, इसलिए मैंने जो है वेरिएबल जो है यहाँ पर एक्स लिया है। ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स का मान पी एक्स क्या, जीरो, यही कहलाता है क्या, बहुपद का शून्य। ठीक है, अगर एक आएगी एक्स की वैल्यू तो शून्य कहलाएगा, दो वैल्यू आएंगी या दो से ज़्यादा आएंगी तो क्या कहलाएगा, शून्य या जीरोज
इंग्लिश में कहेंगे इसको क्या, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको जो है नोट करिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे हमारा पॉलिनोमियल था पी एक्स, अभी तक तो हमने थ्योरेटिकल बात करी है, अब इसको करना कैसे है, निकालना कैसे है ना, वो देखेंगे। पी एक्स हमारे पास लिया था हमने क्या, पी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ हमें निकालनी है वैल्यू किस पर, एक्स की वैल्यू जीरो पर और एक्स की वैल्यू वन पर, एक्स की वैल्यू माइनस वन पर। मैं ये कहता हूँ एट ये हमारा पी एक्स है, तो एक्स जब जीरो लेंगे तब क्या मान आएगा, वाई जीरो जीरो वाई जो है सॉरी एक्स जीरो लेंगे तब क्या मान आएगा, एक्स वन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन लेंगे तो क्या आएगा। तो मैं वन बाई वन निकालता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर पी एक्स, एक्स की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो हो जाएगा जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, सॉरी जीरो प्लस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आया, हमें पी एक्स जो है क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब लेंगे एक्स इज इक्वल टू वन, तो पी वन कितना आ जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं क्या कह लूँगा, नॉट आ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है, इसी तरह से सेम एज यही है। अगर मैं बताऊँ एक्स की वैल्यू माइनस वन लेता हूँ, पी माइनस वन रखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस का वन प्लस का वन। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, सॉरी ये टू एक्स ले लेते हैं हम लोग, हैं चलो कोई नहीं, कितना आ गया, ये हो गया वन माइनस वन प्लस वन इजिकल टू वन, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी एक्स इजिकल टू मैं लेता हूँ क्या, टू, तो कितना हो जाएगा, पी टू पर फोर प्लस टू प्लस वन इजिकल टू कितना आ गया, सेवन, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये भी जो है हमारे पास जो है मान नहीं है। ठीक है, अब लेते हैं हम एक्स इजिकल टू माइनस का टू, तो पी माइनस टू कितना हो जाएगा, चार, एक्स की वैल्यू माइनस दो है तो माइनस का टू प्लस का वन, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा तुम्हारा कितना, पाँच, पाँच में से दोगे थ्री, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब यहाँ पर जो है शून्य आने रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आगे वैल्यू पर आ जाए, तो इसको जो है दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर हम पी एक्स ले लेते हैं क्या, कोई पोलोनोमियल लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का वन। ठीक है, वहाँ पर जो है पोलोनोमियल हमने ऐसे ले लिया था क्या, आगे जाके वैल्यू कितनी निकालेंगे हम लोग तब आएगा। इस पर देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ एट एक्स इजिकल टू माइनस वन पर वैल्यू निकालिए, तो पी माइनस वन लूँगा तो माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस का टू इंटू माइनस वन प्लस का वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस का टू प्लस का वन, ये कितना आ गया, ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा जो हमारी एक्स की वैल्यू आई कितनी, माइनस वन, एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पर, माइनस वन। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू माइनस वन है यही है क्या, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या ये कहलाएगा बहुपद, बहुपद का शून्य। ठीक है, जो ऊपर वाला जो एग्जांपल था उसमें जो है आगे जाके हम लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आ जाएगा, अगर वो क्या है उस पर वैल्यू एक्स की वैल्यू पर जीरो हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है माइनस वन पर ये जो पोलोनोमियल था हमारा क्या, ये वाला पोलोनोमियल किस पे, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पर क्या आ रहा, पी एक्स हमारा जीरो हो रहा है, तो जो माइनस वन है यही क्या है, इसकी ज़ीरो है। चलो तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग एक है कांस्टेंट पोलोनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल
जिसको कहते हैं अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद। तो हम बात कर रहे थे किसकी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स जो हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो याद रखनी है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिस पर जो है हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमने बात करी थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के, बहुत सारे एग्जांपल भी दिए थे जैसे 5, 3, 2, 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पी एक्स लेता हूँ मैं, पॉलिनोमियल क्या है, 5 भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसका जो किस तरह से मैं डिनोट करूँगा इसको, एक्स की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये देखना है जो हमारा पॉलिनोमियल है 5, ये पॉलिनोमियल 5 गुणा में एक्स की पावर 0, ये एक्स की कौन सी वैल्यू पर 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक्स की कोई भी वैल्यू लूँगा, चाहे 1 लूँगा तब भी 1 आएगा, चाहे 2 लूँगा तब भी 1 आएगा, ठीक है, चाहे 3 लूँगा तब भी 1 आएगा, लेकिन 0 नहीं ले सकता है ना। अगर 0 की पावर 0 लूँगा तो ये जो है क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, नॉट डिफाइंड, है ना। तो यहाँ पर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0 मुझे नहीं लेना। तो कुछ भी मैं ले रहा हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एनी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट क्या, 0। 0 को छोड़कर एक्स की कोई भी वैल्यू पर ये टर्म जो है, जो हमारा पी एक्स है, ये क्या है, 0 नहीं हो सकता। तो मैं क्या कहूँगा इसमें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की चाह क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं क्या कहूँगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ एक्स देन, जिससे पी एक्स जो है हमारा 0 हो जाए। ठीक है, तो कंक्लूजन ये आया निकल कर, 0 ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो 0 है क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी जो 0 ऑफ पॉलिनोमियल की जो क्या है, 0 है क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो हम कहेंगे अचर, अचर बहुपद, ठीक है, अचर बहुपद के शून्य एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नहीं करते। ठीक है, तो आपको याद रखना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, जो एक बार रिवाइज कराया तुमने, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारा, उसके अगर पूछे तुमसे शून्य क्या होंगे तो क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं है उसका। ठीक, एक और बचता है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड पाता है क्या, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद पी एक्स किस तरह से, 0, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा, 0 मल्टीप्लाई में एक्स की पावर कुछ भी लूँगा यहाँ पे मैं, ना एक्स की पावर क्या आता है यहाँ पर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर कैसा है, 0, एक्स की पावर 1 लूँगा तब भी 0 मिलेगा, 0, एक्स की पावर 2 लूँगा तब भी 0 मिलेगा, 0, एक्स की पावर 3 लूँगा तब भी 0 मिलेगा, कुछ भी लूँगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, 0 ऑफ किसकी, 0 पॉलिनोमियल की, 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट जीरोज हैं इसकी, कितनी है, इनफाइनाइट जीरोज हैं, एक्सेप्ट क्या, एक्स की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते यहाँ पर। अगर एक्स की वैल्यू हम 0 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 आएगी, है ना, 0, एक्सेप्ट 0, 0 हम यहाँ पर ले नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या लेना है, पोलोनोमियल ये बनाना है, ये वेरिएबल होना चाहिए, 0 तो कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल होना चाहिए, तो एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो क्या होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 0 ऑफ 0 पोलोनोमियल की, अनंत,
ठीक है, अनंत शून्य होते हैं, ठीक है, अनंत शून्य होते हैं, किसके, जीरो बहुपद के, शून्य बहुपद के। तो आपको याद रखनी है जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का उसकी जीरो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी जो जीरोज़ हैं वो क्या हैं, अनगिनत होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज जो है 2.2।